ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। गुरु जी ने प्रदोष काल में करने वाला एक बहुत अच्छा उपाय बताया है, जो कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको एक लोटा स्वच्छ जल लेना है। ये इस तरह से जल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस जल में आपको 7 बेलपत्री, ये 7 बेलपत्री हैं, इनको लोटे में डाल देना है इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जल का लोटा लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। आप जब शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो शिव जी के सामने नंदेश्वर महाराज, नंदी भगवान विराजमान होते हैं। तो इस लोटे का जल आप नंदी जी को चढ़ा दें, और उसके बाद जो बेलपत्री बचेगी वो 7 की 7 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करते हुए शिव जी को चढ़ा दें, और जो भी आपकी मनोकामना है वह करें। उसके बाद जब भी प्रदोष पड़े तब ये उपाय करें। आप 2-3 प्रदोष करेंगे, उसके बाद आपका जो भी मनोकामना है जरूर पूरी हो जाएगी। आपका कर्जा बढ़ गया होगा, नहीं चूक रहा है, वो चूक जाएंगे। परीक्षा दे दी हो, रिजल्ट निकलने वाला हो, तब भी यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका काम अवश्य बन जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर करें। उपाय बहुत छोटा सा है, ये उपाय आपको प्रदोष वाले दिन करना है और प्रदोष काल में करना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ओम नमो शिवाय।